अच्छा, क्योंकि हम बात करें क्रॉकरी के हवाले से भी तुम्हारे से, यहाँ सभी, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा जो इनकरेज करते हैं, सभी अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी अपनी एक रेंज हमारे साथ लेके यहाँ पे मौजूद है, जिसमें देखने की, जिसमें यूजुअली जो हाई टीज के लिए, जैसे केक की जो है वो भी देख रही हूँ, स्टैंड मौजूद है, प्लेटर भी मैं डिफरेंट देख रही हूँ, क्रॉकरी के लिए मैं देख रही हूँ। कब से सभी जी आप काम कर रही हैं? 2021 से ही हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, कोविड के टाइम में, कोविड के आफ्टर कोविड ना, आई वाज थिंकिंग कि क्या किया जाए, कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो देन आई स्टार्टेड दिस। और ये जो मैं देख रही हूं, इसे पेंट हुआ हुआ है, क्या ये आपने खुद किया? हैंड पेंट है, हैंड पेंट मेरी बेटी ठीक किया है, मेरी एल्डर डॉटर ने। उसके बाद अब हमने वर्कर्स वगैरह हायर की हुई है, लेकिन ये कि स्टार्ट मेरी जो आइडिया तो हम लोगों का था, सबका, पूरे फैमिली का ही था। और फिर बेटी ने कहा कि नहीं, इस पर कुछ हम पेंट करते हैं, तो ये हैंड पेंट है पूरा। और क्वालिटी जो है हमारी, ये मैंगो विट हमने यूज़ की हुई है, तो क्वालिटी मतलब गारंटीड क्वालिटी। तो सभी अच्छी, क्या कुछ आप लेकर आए, ताकि मैं जल्दी से अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। और फिर मुझे जो मेरे साथ यहाँ पे जो खवातीन है ना, मेरी सेलिब्रिटीज, इनसे मैं पूछूंगी कि ये तो जरा अभी की चीज है ना, सारे शश के, ये इन्होंने पहले क्या किया, उनके घर में क्या होता था? अच्छा, ये तो जनाब, ये हमारी राउंड शेफ स्प्लैटर है, देन फिर आजकल चीज प्लेटर, ये रोम्बस शेफ प्लेटर है, मतलब आप जो भी ड्राई आइटम्स हैं, वट एवर, फॉइल पेपर और सब कुछ रख के आप उसको करते हैं। ये हमारा प्राइस रेंज है इनकी, ये इनकी 3500 ईच ये। अच्छा, हाँ, और ये हमारी टी कैडी है, ये हमारा मोस्ट हिट आइटम है, और ये हमारी टी कैडी है, कुछ एलिवेटेड है ना जी। ये तो कॉफी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, ये शुगर पॉट और ये सारी स्पून जो ठीक है, यहाँ पे टी बैग चले हुए हैं, यहाँ पे नैपकिंस हैं, दिस इज नाइस। ये है ना, इसकी प्राइस हमने 5500 रखी है। और ये हमारी चारपाई, ये सर्विंग चारपाई, समोसे, पकोड़े, ये हमारा मोस्ट आइटम है ड्यूरिंग रमजान। और ये हमारा ठेला, सर्विंग ठेला, ये हमारा केक प्लेटर, पेडिस्टल प्लेटर हमने इसको नाम दिया हुआ है। और ये डिटैचेबल है, तो इसको मतलब अलग भी कर सकते हैं, मतलब चला जाएगा कहीं भी जी। और ये हमारी कटलरी कैडी है, इसमें हमने ये सब नैपकिन रखे हुए हैं, फिर उसको एज अ वेट ये हमने बनाया हुआ है। देन ये हमारी प्लेटर्स है, हमारी और भी प्लेटर्स हैं, तो ये हमारे लॉन्ग प्लेटर है, ये राउंड प्लेटर है, ये हमारी लूडो टेबल है बच्चों के लिए, इसमें आप चाय पीते हुए लूडो भी खेल सकते हैं, बड़े मित्र साथ बैठ सकते हैं, बिल्कुल। आप जैसे ना विंटर में तो भी बहुत सब लोग आपस में रुकने आते हैं, सब होता है, तो ये आपकी बड़ा अच्छा बच्चों के लिए और खुद बड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा। अब तो आपको बहुत फायदा भी हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले डिनर्स होते थे, अब लंचेस भी हैं, अब हाई टीज भी हैं, ब्रंचेस भी हैं, और ब्रेकफास्ट भी है घरों में, बच्चों की प्ले डेट पंजाब में तो बड़ा आने वाली है, अब तो बाकी प्ले डेट आने वाली भी है। मुझे बताएं, आप लोग अपने घर में जब ऐसे कुछ तिगड़म और शशके करने होते हैं, मतलब ये तो अभी मैं आपसे बात करूँ कि आज से 6-7 साल पहले इस तरह के बहुत उससे पहले नहीं था। मुझे मेरी तो एक दावत अभी की है, जिसमें चीजें मैंने पता है क्या किया था, ये जूते के डब्बे, आपके पास गिफ्ट्स रैप, बड़े बड़े जो मजबूत वाले, उनके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ाया, क्योंकि आपको ना डोंगो को या किसी चीज को ऊंचा नीचे रखने के लिए, तो ये चीज, क्योंकि हर घर, हर बंदा अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके लिए कुछ तो हो ना कि वो क्या करे, उसकी क्रिएटिविटी कहीं तो निकले, तो ये सब चीजें मैंने। और सम टाइम होता है कि आपके पास जितनी भी हो, अगर बड़े डिनर्स हैं, आपने 3-4 जगह पे, क्योंकि मेरे आप जिस तरह का ससुराल है बड़ा, तो मैं 3 जगह खाना जो है वो टेबल लगाती हूँ, तो मुझे होता है कि वो बाहर वाला भी जरा ऐसा अच्छा लगे, अंदर वाला भी अच्छा लगे, की हर जगह की पूरी होनी चाहिए, आपके पास ये वाली चॉइस। मैं तो बहुत करती हूँ कि मैं अपने जितने अच्छे वाले डब्बे, बॉक्सेस आते हैं ना, जो मैं जर्मनी से शॉपिंग है, तो मैं बॉक्सेस संभाल के रखी, इन्हें संभाल के रखू, इन पे फॉइल पेपर चढ़ा के। जर्मनी से सबसे ज्यादा क्या, किन चीजों की शॉपिंग करती है जब आप अपनी क्रॉकरी के हवाले से करती हैं? तो वहां से तो मैं ना ये जितनी भी क्रॉकरी ये वाली मिलती है ना, स्पून वाली, वो बड़े ही मजे के, क्योंकि बाकी चीजें इतनी भारी है वो लाए, लेकिन हमारे तो लैंप तक वहां से, हमें एक पागल पना था, लेकिन ये कि वो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ आप जितनी भी ढूंढ लेना, वो क्लास वो नहीं आती मुझे, मगर अब यहाँ पे काफी चीजें अब बहुत बेहतर हो गई है, कि यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑनलाइन, कुछ आपको बाहर से मिल जाती है, वहाँ वारंटी है,
वहाँ अगर आप किसी भी कटलरी सेट जो एक्सपेंसिव वाला और वहाँ के ब्रांड का ले रहे हैं तो उसकी 2 से 3 साल 4 साल की वारंटी होती है कि उस पर स्टेन नहीं आएगा। यहाँ तो मुझे लगता है कि वो फिर जरा सही रहती है, हमारी किस्मत है, अच्छी निकल गई तो निकल गई, अगर ढूंढो आपकी आए हो तो मिल भी जाती है, आँख होनी चाहिए आपके पास तो वो चीजें मिल जाती है। अच्छा, कोई ऐसा भंड हुआ हो आपकी दावत में जो आपको अभी भी याद हो, और स्पेसिफिकली जब शादी के बाद ना, जब आपकी पहली दावत होती है और जो आपके घर में दावत होती है तो लोग आपसे बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि देखते हैं कि कैसा बना, कैसा बनाती है, क्या क्या खाना बनाती है। और कुछ याद है आपको? मेरे शादी के बाद तो ऐसे मुझे याद नहीं पड़ता कि फौरी तौर पे कोई ऐसा कुछ हो। मैंने तो जब से मेरी सास की डेथ हुई उसके बाद से जब चीज़ें ली, मैंने मिलाद लिया, मजलिस ली, घर के डिनर्स करने शुरू किए। अदनान जब नहीं होते तो मुझे ज़्यादा आसान लगता काम करना, क्योंकि हमारे यहाँ जब अदनान होते तो उनको लगता है कि अब मैंने इसमें कोई पार्टिसिपेट करूँ, भी इतने दिन से वो कहते हैं उसमें मैं उलझ जाती हूँ, क्योंकि दो लोगों के डिसीजन नहीं हो सकते। अब मैं मेरा डिसीजन होना होगा, या अब मैं कहती हूँ अदनान मैं बहुत ये आपसे पहले से करती आ रही हूँ तो मुझे पता है मुझे कैसे ऐसे करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, इसको ऐसे रखो कि रख दे, अल्लाह आज भाई माइकी सुन लो, बस सुन लो। तो ये होती है अदनान के हाथ की आई हुई चीज, अल्लाह ना करे वो टूटे या वो झड़ जाए तो बस मैं कहती हूँ वहाँ मेरी सांस रुक जाती है। अदनान इसी तरह दो बाजिस लेकर आए, वो सेट था बाजिस का बहुत ही एक्सपेंसिव सेट था, मतलब उन्होंने जब लाए तो कह लिए इसका ना जरा बेगम ख्याल रखिएगा, मैं ये नहीं कहा बेगम इसको लॉकर में रखवा लो, ये नहीं उनका तरीका है, कहते इस्तेमाल करने की चीज़, लेकिन भाई एहतियात भी करें ना, हराम के पैसों से थोड़ी चीज़ें आ रही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कोई चीज़ इतने एहतियात से, मुझे अच्छी तरह ना, मैं लंदन से एक क्रिस्टल की पूरी कैंडल लेकर आई थी, जेल कैंडल थी, मैं पूरे रास्ते ना मुझे मैं जब काम में हाथ में से यूं उठाए उठाए, सोचे क्रिस्टल कितना है, कितना हैवी होता है, उठाए उठाए मैं पाकिस्तान तक आ गई हूँ, सुबह उठी वो टूटी हुई, ये नजर लग गई होगी भाभी से मेरी, वो कह रही मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे कपड़े में ये लिपटी हुई कैसे, मैंने वो यूं उठाया वो चूरम, बस जिसके वो दुख मुझे ऐसा था कि मैं कुछ 3 दिन रोती रही, मैं कहा भाभी मुझे इसका दुख नहीं है, बस मैं वो बता नहीं सकती जब तो आप ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं होता कि चीज वो आपकी अटैचमेंट भी होती है, जमा करते हैं अटैचमेंट, आपने चीजें पसंद आपको मुश्किल से आई होती है, आपकी हर क्रॉकरी आप जो भी चीज लेते हैं आपकी उसके साथ अटैचमेंट होती है। हाँ, ये कर लें अटैचमेंट तब तक जब तक आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। हाँ, हमारे मेरे तो अब बच्चों के बच्चे आ गए, जब मैं कराची होती थी मैं लाहौर जाती थी तो जाके फिर अपने सामने करवाती थी ना डस्टिंग, एक चीज उठाई है उसके ऊपर से नीचे का नीचे पीस रह गया, मैंने कहा ये क्या, ये क्या अम्मा, वो सादिया कहते वो अब क्या करते थे बच्चे ने तोड़ दिया, हाँ, तो फैसी ने कहा कि अम्मा का ला रही है इनको ऐसे ही रख के बस दो, अम्मा आएंगी तो देख, और अम्मा ने कुछ भी नहीं कहना मुझे, चीजें बर्तन टूटे चीजें टूटे मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं ही मेरे माँ बाप से मेरी ये शिकायत है कि अगर हमने कोई चीज तोड़ी होती थी और चले मैं अपने अब्बू से कहती थी पढ़ने की चीज़ अम्मी की कोई चीज टूट गई है और अम्मी को नहीं पता चला तो मेरे अब्बू ऊंची आवाज में कहते थे अब अपनी माँ की क्या चीज तोड़ दी है, तो अम्मी की उधर काम की चीज तोड़ दी मेरी तो वो दुनिया के किसी भी कोने में होती थी उनकी जूती भी आ जाती थी, अब उनके पोते या उनके नवास जो थोड़े मेरा अपना बच्चा भी पता नहीं ये है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में माशाल्लाह 4 मुंडे हैं, बस एक सादिया का, 2 सलमान के, अब एक छोटे भैया नहीं, मैं कहती हूँ तोड़ो भाई तोड़ोगे तो मेरा ये वैसे तो नहीं आएगा और लोगों का कारोबार भी तो चलना है, बच्चे एक दफा ले लिया तो ये कहती हूँ बच्चे तो चले तोड़ देते हैं ना, मगर बड़े भी कोई जान के नहीं तोड़ते ना, मेरी मासी से अगर कभी कोई टूटे मैं तो पहले उनको कह देती हूँ कि देखो बर्तन धो रही है मेरी थोड़ी जान है थोड़ा सा एहतियात से धोना, ये बड़ी मुश्किल से जमा किए हुए टूटने वाली चीज थी नसीब में नहीं थी वो। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है फैसी को बड़ा बुरा लगता है, वो किचन का दरवाजा खुला आहिस्ता
तो जब मैं जाती हूँ ना तो फिर वो सब बड़े सुकून से हो जाते हैं। अब्बा जी है ना, अब्बा जी की जिम्मेदारी, अब हमें कोई कुछ नहीं किया। जिस तरह से बर्तन धो रहे थे जरा सा इतने भी रहेगी कि वो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने ससुराल की दावत की तो अदनान का जो वास था मैंने कहा पीछे मेरी गलती। मैंने वो मेन टेबल से उठा के मैंने कहा यहाँ सब बैठ के वो ना मैंने नीचे की तरफ से साइड पे सजा दिया ना एक कॉर्नर। इन्होंने मेरा घर देखा तो मैंने कॉर्नर की तरफ से अब उसके आगे मैंने ना सीटी सी रख दी। अब जो मैं इन्हीं का ही भांजा बैठा उससे गद्दी से वो जाके जो गया और वो डस करके टूट गया, टूट गया। अच्छा पूरी दावत एक जगह मैं वही बैठी। मैंने कहा हिना भाजी ये नान लेकर आए थे। अच्छा ये वो तस्वीर है, ये मेरे देवर हैं। ये आप कुर्सी पे आपको नजर आ रहे हैं जो ग्रे कलर के फॉल है। इससे पहले ये कॉफी टेबल पे बैठे थे और कॉफी टेबल तोड़ दी थी। माशाल्लाह। मैंने कहा भाई कॉफी टेबल पे कौन बैठता है? कॉफी टेबल पे बैठ के कैरम खेला जा रहा है। थोड़ी देर फिर मैंने जब वो टूटने की आवाज आई मैं ऊपर से बेटा जुड़वा के दे दूंगा। मैं कहा अभी जुड़ेंगे नहीं, आप ये कुर्सी ले लें। ये मैं कहा ये किस्सा अभी के अभी सुनवा दूं। हाँ। जो घबराहट का उस वक्त मैं बैठ गई। फिर ये जो मूछ वाले भाई हैं इरफान भाई हैं इन्होंने अदनान को फोन किया। आप सोचें कितनी मुझ पे दहशत होगी। कहते हाँ यार क्या बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय करें यार। भाई वो बता रहा तुझे ये था वो जो तुम लेकर नहीं थे इटली से वाइट बनाना स्पीकर में सुन रही हूँ। हाँ वो बतख बन गया। अभी लोग आपस में ऐसी बात कर रहे हैं। अदनान को समझ आएगी कि टूट गया। अरे भाई बतख बना दिया है, आप देखना ऐसा ऐसा पूरा घर चिड़िया घर बन जाएगा घर। तो बात वो आई गई हो गई लेकिन उन तक पहुंच गई कि वो जो टूट गया वो टूट के बतख बन चुका है। लेकिन भाई मुझे बहुत होता है कि बाकी जब काफी सारे लोग आए ना ये मेरा से नुकसान होता है। नुकसान कारपेट पे और जैसे लाइट अभी का किस्सा आपको बताती हूँ। अभी का किस्सा, अभी मेरे उसकी सलमान के बड़े बेटे की बर्थडे थी तो हम लोगों ने घर पर ही मैंने उन्हें कहा पहली दफा उन्होंने कहा माँ आप होस्ट बन जाएं, हम होस्ट हैं आप गेस्ट बन जाएं। मैंने कहा मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो मुझे कुछ चीजों में लैक लग रहा था लेकिन मैंने कहा मैं बीच में नहीं बोलूंगी ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए और ये भी करें। तो मेरी बहू ने माशाल्लाह सारा कुछ बड़ा जबरदस्त अरेंज किया। उसने स्टॉल लगवाए गोलगप्पे, फिर वो पता नहीं क्या क्या चीजों के वो लगवाए। और अब जब मेहमान आना शुरू हुआ मुझे पता था, मैंने कहा मेहमान तो कोई 80 के करीब लोग थे तो मैंने कहा ये सबकी सिटिंग तो कम होगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं कुछ ऊपर चले जाएंगे कुछ। मैंने कहा बेटा मेहमान एक जगह बैठने के लिए आते हैं लेकिन हो सकता है। मैंने कहा उसकी फुफ्फो खाला वगैरह तो ये सोच रही हो कि चले वो ऊपर चले जाएंगे, ये इनके नीचे बैठ जाएंगे बच्चे बाहर। तो मैंने फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। अब जब ज़्यादा मेहमान आ गए ना तो उसने मेरी तरफ देखा कि अम्मा वो मुझे लगता है जगह कम होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा अंदर बैठे। अंदर गई कहती है मेन डोर खोल दूँ? मैंने कहा हाँ खोल दो। फिर कहती है अच्छा तो अम्मा ये हमने तो कोई इतना डेकोरेशन उठाई है। तो मैंने कहा बेटा क्यों उठानी है? तो सोफे सूफे लगे हुए हैं बैठे। कहती है अच्छा तो कारपेट? मैंने कहा कुछ नहीं होता सबको बेटा। अब आधे मेहमान अंदर बैठे हुए थे। अब वो जो उसकी फुफ्फो ऊपर से नीचे उतरी तो कहती हैं मैं तो सबा अपने दिल पे मैंने हाथ रखा हुआ था ये वाइट कारपेट इस पे सब चल रहे हैं कर। तो मैंने कहा कारपेट होता ही चलने के लिए सबा तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हो रहा वाइट कारपेट मेरे दिल को कुछ हो रहा है। और बाद अब ब्रेक भी एक तो जब ब्रेक आती है मैंने कहा भाई खराब हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करे। तो मेरी बहू कहती है उफ मेरा दिल ऐसे हो गया क्या मैं जहां मर्जी बैठूं बिठाऊं। मैंने कहा भाई घर घर जो है ना सुकून के लिए टेंशन के लिए ब्रेक ले लें ब्रेक के बाद मिलते हैं ब्रेक लेने।